आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा जय मसीह की। दोस्तों वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं आज के इस नए वीडियो में। तो प्रियो आज हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 6 आयत से आज हम सब सीखेंगे। जैसा कि वचन बताती है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। तो दोस्तों यहाँ आज हम कुछ बातें हैं जो इस वचन में पाते हैं। पहला जो बातें पाते हैं मार्ग यानी रास्ता, दूसरी बातें को पाते हैं सच्चाई, और तीसरी बातें पाते हैं जीवन। जो यीशु मसीह साफ साफ कहते हैं कि रास्ता वही है, सच्चाई वही है और जीवन वही है। और वो ये भी साफ साफ ऐलान करते हैं कि कोई भी है जो बिना मेरे द्वारा पिता के पास नहीं जा सकता, यानी स्वर्ग को नहीं जा सकता। तो दोस्तों इस विषय में आज हम गहराई से अध्ययन करेंगे और बाइबल के वचन में हम सब देखेंगे भी कि मार्ग के विषय में यानी रास्ता के विषय में है जो वचन क्या बातें बताती है, और सत्य के विषय में क्या बातें बताती है, और जीवन के विषय में वचन क्या बताती है। तो दोस्तों आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें, वीडियो अंत तक देखें, ताकि आज जो तीन बातें हैं इन तीन बातों को विषय में गहरी रीति से गहराई से हम लोग जान सके। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि आज हम तीन विषयों पर बात करेंगे। पहला मार्ग है, दूसरा सच्चाई और तीसरा जीवन। इसके विषय में बाइबल वचन क्या कहती है, तो पहले हम देखेंगे मार्ग क्या है। तो दोस्तों बाइबल मार्ग यानी रास्ता के बारे में क्या कहती है, इसे हम बाइबल के वचन से देखते हैं। तो मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय के 13 और 14 आयत को पढ़ेंगे तो वहाँ वचन साफ साफ बताता है, सकेत द्वार से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह द्वार और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुँचाता है, और बहुत से लोग हैं जो उससे प्रवेश करते हैं, क्योंकि सकेत है वह द्वार फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुँचाता है, और बहुत थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। तो दोस्तों यहाँ वचन साफ साफ है जे रास्ता के विषय में बताता है। तो यहाँ यीशु मसीह दो रास्ता के विषय में बता रहे हैं, एक जो रास्ता है, एक जो मार्ग है वो चौड़ा है और उसमें है जे सरल से, यानी कोई परेशानी उसमें नहीं है, बेधरले से लोग है जे उस मार्ग में चलते हैं, और वो मार्ग अंत में कहाँ पहुँचाता है, विनाश को पहुँचाता है, वो नाश की ओर ले जाता है, वो अनंत काल के लिए विनाश की ओर ले जाता है। लेकिन दोस्तों दूसरे मार्ग के विषय में बता रहे हैं कि वो दूसरा मार्ग है जो वो है जे सकेत है, वो कठिन का रास्ता है, वो कठिन का मार्ग है, और वो मार्ग है जो जीवन को पहुंचाता है, और बहुत से थोड़े जो लोग हैं उस मार्ग पे है जे चल पाते हैं। तो दोस्तों यहाँ यीशु मसीह साफ साफ दो रास्ता के विषय में बता रहे हैं, एक जो रास्ता है जो विनाश की ओर ले जा रहा है, दूसरा जो रास्ता है वो जीवन की ओर ले जा रहा है, और बहुत थोड़े हैं जो जीवन को पाते हैं। यानी प्रभु साफ साफ यह कह रहे हैं कि एक मार्ग स्वयं यीशु मसीह है, और वो मार्ग है जे स्वर्ग को ले जाते हैं, वो अनंत जीवन को ले जाते हैं। तो प्रियो यीशु ने अपने शिष्यों को मार्ग के बारे में नहीं बताया, नहीं उन्हें मार्ग दिखाया, नहीं मार्ग पर उनका मार्गदर्शन किया, बल्कि उसने साफ साफ कहा कि मार्ग मैं हूँ, यानी रास्ता यीशु मसीह है, और जो यीशु मसीह के मार्गों पर चलता है, यीशु मसीह के रास्ता पर चलता है, वो है जे जीवन को पाता है, वो अनंत जीवन को प्राप्त करता है। दूसरी जो बातें हैं प्रियो, यीशु मसीह में सत्य क्या है, इसे हमें आपको जानना बहुत ही जरूरी होगा। तो सत्य जिसके लिए यीशु मसीह गवाही देने के लिए इस संसार में आए, वह परमेश्वर का वचन है, जिसे अन्यथा सनातन सुसमाचार या शांति का सुसमाचार के रूप में जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, यीशु मसीह सत्य को गवाही देने के लिए इस जगत में आया, और उन्होंने परमेश्वर के वचन को हम सबों के बीच में, पूरे जगत के लोगों को बीच में उन्होंने बताया, जैसा कि हम वचन में पाते भी हैं। रोमियो 10 के 15 आयत को जब देखते हैं तो वहाँ वचन बताती है, और प्रचारक बिना क्यों कर सुने, और यदि भेजे न जाए तो क्यों कर प्रचार करे, जैसा लिखा है कि उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का
सुसमाचार सुनाते हैं। तो दोस्तों वचन यहाँ साफ साफ कहती है कि जो पांव सुहावने वो सुहावने पांव है जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते, यानी जो परमेश्वर के बारे में उनके वचन को बताते हैं, उनकी गवाही को लोगों को सुनाते हैं। जैसा कि अगला वचन इफिसियों 6:15 भी कहता है, और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। तो दोस्तों यहाँ भी साफ साफ इस विषय में कहता है। और प्रकाशित वाक्य 14:6-7 को जब पढ़ेंगे तो वहाँ भी पाएंगे, जैसा कि वहाँ वचन भी बताता है कि फिर मैंने एक और स्वर्ग दूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। तो दोस्तों हम यहाँ पे सत्य के विषय में ये देखते हैं कि सत्य है परमेश्वर का वचन, और वो परमेश्वर के वचन को गवाही देने के लिए, बताने के लिए यीशु मसीह इस जगत में आया ताकि सत्य की गवाही को हम आपके बीच में बता सके। तीसरी जो बातें हैं प्रियो, कि बाइबल के अनुसार जीवन क्या है, तो हम वचन में देखेंगे कि जीवन के विषय में बाइबल वचन क्या बातें करती है। तो प्रियो बाइबल हमें सिखाती है कि अनंत जीवन एक उपहार है जो मसीह हमें प्रदान करता है। इस प्रकार से बिना हम मरने के बाद किसी भी तरह से जीवित नहीं रह सकते हैं, जैसा कि हम वचन में देख सकते हैं। दोस्तों रोमियो 6:23 कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो दोस्तों जब हम यीशु मसीह में हम रहते हैं और यीशु मसीह में जब बढ़ते हैं तो हमारे लिए, आपके लिए अनंत जीवन है। बल्कि हम यीशु मसीह में जब नहीं हैं तो वो पाप की मजदूरी जो है मृत्यु है, क्योंकि हमारा और आपका पाप है जो जब यीशु मसीह में नहीं रहते हैं तो वो पाप बना रहता है, वो पाप है जो क्षमा नहीं होता है, और उस पाप के अनुसार जब हमारा आपका न्याय होगा तो अनंत काल के लिए हम आप मृत्यु में जाएंगे। और जब प्रभु यीशु मसीह का जो वरदान है हमारे आपके बीच में वो अनंत काल के लिए जीवन का है, जैसा कि यूहन्ना 3:36 भी कहता है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। तो दोस्तों यहाँ वचन भी साफ साफ कहता है कि जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसी का अनंत जीवन है, और जो यीशु मसीह पर को नहीं मानता है उसका जीवन नहीं है, वो अनंत जीवन को नहीं देखेगा, परंतु उस पर क्या है, परमेश्वर का क्रोध है जो हमेशा रहता है। जैसा कि यूहन्ना 5:24 भी कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वालों की प्रतीति करता है अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। तो दोस्तों वचन यहाँ देखते हैं कि जीवन के विषय में साफ साफ है जो बाइबल वचन कहता है कि जो यीशु मसीह के मार्ग में चलता है, जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है उसी का अनंत जीवन है, और जो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है उसका अनंत जीवन नहीं है। इसी प्रकार से हम पहला यूहन्ना 5:11-12 वचन में हमें बताती है कि परमेश्वर ने हमको अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है, और जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने कि वचन मार्ग सत्य और जीवन के विषय में बाइबल वचन क्या बताती है। इसलिए यीशु मसीह ने साफ साफ कह दिए कि कोई भी मनुष्य बिना यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन को नहीं पा सकता, जैसा कि हम वचन में पाते हैं कि यीशु ने साफ साफ कहा कि बिना मेरे द्वारा कोई है जे पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो दोस्तों आज के जो मैसेज है, इस मैसेज से हम लोगों को यही सीखना है कि हम वचन तो सिर्फ पढ़ते हैं और वचन को सुनते हैं, लेकिन वचन हमें क्या बताती है उस पर हमें गहराई से हमें सोचने की आवश्यकता है। और यीशु मसीह ने ये साफ साफ कह दिया है कि मार्ग सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। तो दोस्तों आज जो दुनिया के लोग जो मार्ग को ढूंढ रहे हैं, जो उस अनंत जीवन को पाने के लिए लोग हैं जो प्रयास कर रहे हैं, इधर उधर दर दर भटक रहे हैं,
पहाड़ों और खूह में ढूंढ रहे हैं, इधर उधर नदी नालाओं में ढूंढ रहे हैं, लेकिन दोस्तों यीशु मसीह ने साफ कहा है कि मार्ग यीशु मसीह हैं और सच्चाई भी यीशु मसीह हैं, और यीशु ने साफ कहा है कि जीवन मैं हूँ। तो दोस्तों अगर आप इस वचन को आपने सुना है तो आप इसी समय आप संकल्प लें, इसी समय अपने मन में ठान लें कि हम इधर उधर कहाँ ढूंढने जाएंगे, यीशु मसीह ही मार्ग हैं, यीशु मसीह ही सच्चाई हैं और यीशु मसीह ही जीवन है। तो आप यीशु मसीह के साथ चलें, यीशु मसीह के वचन में बने रहें और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में आप स्वीकार करें, ग्रहण करें और अपने पापों से तौबा करें, अपने पापों से अंगीकार करें और यीशु मसीह के शरण में गिरें और यीशु मसीह से कहें, प्रभु तू ही मेरा मार्ग, तू ही मेरा सच्चाई है और तू ही जीवन है, बिना आपके द्वारा प्रभु मैं पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो दोस्तों आज का जो वचन है उस वचन से हम सबों को ये संकल्प लेना होगा। तो दोस्तों आप मेरे साथ इस बातों को दोहराएं ताकि प्रभु में आप है अनंत जीवन को पा सके। तो आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं कि आज आपने बात किया यीशु मसीह राजा, कि आपने कहा कि मार्ग सच्चाई और जीवन आप ही हैं। प्रभु जी हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जितने भी भाई बहन प्रभु इस वीडियो को देख रहे हैं और इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि वो जब आपको स्वीकार करें कि मार्ग आप ही हैं, सच्चाई और जीवन आप ही हैं, तब प्रभु आप उनके हर एक गुनाहों और पापों को माफ़ कर दें। जब सारे गुनाहों और पापों को प्रभु आपके चरणों तले सौंपते हैं और आपसे माफ़ी मांगते हैं खुदा बाप, तो आप उन्हें क्षमा कर दें ताकि प्रभु वो आपके द्वारा पिता के पास पहुंच सके, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपने साफ साफ कहा कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो प्रभु जी आपकी आवश्यकता है, आपके बिना परमेश्वर पिता के पास अनंत जीवन को नहीं पा सकते, ऐसा आपने कहा है। प्रभु दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हर एक एक भाई और बहन को प्रभु आप आशीष करें और उनको आत्मिक जीवन को दिन प्रतिदिन बदलते जाएं और ये वचन प्रभु उनके हृदय के पटियाओं पर लिखने पाए ताकि हमेशा प्रभु उन्हें याद रहे कि मार्ग और सच्चाई और जीवन आप ही हैं और वो अनंत काल जहाँ पे प्रभु जी लोग जीवित रहेंगे अनंत काल के लिए, वहाँ ले जाने वाला प्रभु आप हैं। पिता हम धन्यवाद करते हैं प्रार्थना सुनने के लिए, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो दोस्तों मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ वीडियो को अंत तक देखने के लिए। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में आप ज़रूर लिखें, अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें, और अगर आपका कोई सुझाव है, कोई बात ऐसा आप सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि मैं अगले वीडियो में आपके सुझाव को पेश कर सकूँ। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को ज़रूर दबा दें और दोस्तों वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।